Assalamu alaikum everyone. This is me, Lovely Khan. You can call me Ruxya also. So welcome back to my channel. तो आज है रमजान का फिफ्थ रोजा फिफ्थ इफ्तारी. सो यस, आज मैं एक ब्लॉग भी अपलोड करी जो फर्स्ट एंड सेकेंड रोजे का था, एंड थर्ड फोर्थ मैं खाली मतलब थर्ड फोर्थ के मैं नहीं डाली क्योंकि थर्ड फोर्थ उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, और अच्छे अच्छे डिशेस बने करते हैं मगर कि मेरे से मिस हो गए. बट आज है फिफ्थ रोजा और आज बनने वाला है घर में केक और मेरा फेवरेट सैंडविच. उसके बाद भी हम लोगों को कहीं बाहर जाना है डिनर के लिए, तो मैं सोची कि आज का ब्लॉग मस्ट इम्पॉर्टेंट है. और मेरे पास नहीं है भाई, उससे दो पहले के ब्लॉग्स है बट वो मैं अपलोड अब नहीं कर सकती हूँ. बात रमजान के करना पड़ता क्योंकि उसमें मैं जीन्स टी शर्ट सब पहन के थी, तो मैं चाह रही हूँ कि ठीक है चलो भाई जीन्स टी शर्ट वाले ब्लॉग्स थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते, सीधा सीधा रमजान के बाद देखेंगे. अगर बीच में अगर मेरे पास कुछ भी व्लॉग्स नहीं रहे तो मैं जब अपलोड करूंगी बोल के मैं सोच रही हूँ. खम्बम का और उससे पहले का एक ब्लॉग है. 4-5 days में मेरे फेस पे इतने इम्प्रूवमेंट है, मतलब आप नोटिस करना आपका फर्स्ट रोजा कैसा जाता और उसके बाद आपके फेस में आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है. कि मेरी असर की नमाज हुई है और मैंने यूट्यूब का ब्लॉग अपलोड कर लिया, तो ये ब्लॉग से पहले जाके जल्दी से जल्दी यूट्यूब का ब्लॉग देखो अगर नहीं देखे तो. सो गाइज अभी मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है तो मैं अभी शूट कर रही हूँ आईफोन 13 से. बहुत टाइम हो गया आईफोन 13 से नहीं शूट करके. मम्मी पढ़ रहे हैं यहाँ पे कुरान शरीफ और मेरे को मैं लास्ट 2 years से बट कोई लोगों को याद है कोई लोगों को याद नहीं है, तो आज थोड़ा थोड़ा रेसिपी शेयर कर देती हूँ. अगर आप लोग को डीप रेसिपी शेयर करना है तो मेरी ऐसी रमजान के कोई ब्लॉग में है. देखिए चीज़, वो भी ऐसा वाला चीज़ चाहिए आपको, और ऑब्वियसली चिली फ्लेक्स चाहिए, ब्रेड चाहिए, सॉसेस चाहिए, मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ऑफ द मेरी फेवरेट स्वीट कॉर्न सैंडविच. ये स्वीट कॉर्न रहना ज़रूरी है उसमें, और मैं आज केक भी बनाने वाली हूँ तो मैं सोचा कि आज केक और ये दोनों भी एक साथ आपको शेयर करते हैं. चलो बताती हूँ. छुरी डाल के देखो ये परफेक्ट. हाँ नहीं नोटेला तो अभी अर्शिया नोटेला से उसको गार्निशिंग कर रहे और मेरे सैंडविचेस जाके मैं ओवन में रखने जा रही हूँ. बहुत लेट हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया टाइम. अभी मेरे सैंडविचेस हीट हो रहे हैं. दो में खजूर आज इतनी जल्दबाजी में रोज़ा खुले जा रहा कि मेरे को टहरे बोलना पड़ रहा. गाइस मेरे सैंडविचेस बनके रेडी है. ये है सैंडविचेस. A few minutes later. तो गाइस आज हम लगा जाने वाले हैं डिनर के लिए शाही रसोई में. वहाँ पे छोटा सा एक मीटअप भी रहने वाला है हम इन्फ्लुएंसर्स का. ओनली गर्ल्स इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे. ऑब्वियसली मेरे बॉन्सर भाई तो रहेंगे क्योंकि बिना बॉन्सर के मैं नहीं जाती हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है बट उन्होंने मेरे भाई है ना तो वही उसी के डिसाइड हो रहा कपड़े क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली 9:30 को वहाँ रहना है और 8 बज रहे हैं अभी. तो ईशा की नमाज पढ़ लेके निकलते हैं हम लोग और हो सका तो तरावी पढ़ लेते हैं. बस ये जर्रा इनको बोली में ऑप्शन रखो बोले तो गाइस पूरे नए नए ड्रेसेस निकाल रहे मालूम है. ये ब्लू कलर का, ये सिल्वर कलर का, ये ऑरेंज कलर का, ये ड्रेसेस पहने अब तक
बहाना होना इनको कि मैं बोलना कि नहीं मम्मी ये नहीं चलता, मेरे ड्रेस को इस तरह कर रही हूँ, मेरा आउटफिट मैं आपको पहनने के टाइम पे बताती हूँ। ये इन दोनों लगा एक दूसरे को छिल ले रहे। तो गाइस चलो मैं इस तरह करके मिलती हूँ आपको। 2000 years later. अम्मी का मानना है कि हम लगा बहुत दिन के बाद ऑटो में बैठे हैं मम्मी, बहुत दिन के बाद बैठे ऑटो में, परसों में बैठे ना, 4 मिनट जाते समय वो थोड़ी दूर, तो ये भी थोड़ी दूर का रास्ता है, 5-10 मिनट का रास्ता है भैया, पूरा फिरा के लेके जा रहे अपने को। तो अच्छा दिख रहा था। अच्छा हाँ, मतलब आपको सही होना रास्ता बोल के, हाँ वही रॉन्ग साइड आना पड़ता है भैया, मैं कोई बोल रही थी। तो यस फाइनली हम लोग जो डेस्टिनेशन था वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, शाही रसो देखो निकल गया। वैसे ताहिर भाई सबको व्लॉग में सलाम करो, इनकी इंस्टा की आईडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये ताहिर भाई नहीं है, मेरे बॉन्सर भी है। तो देखो बॉन्सर की थोड़ी बॉडी बताना चाहिए, थोड़ा बता दो ऐसा खुल के। ये हाय गाइस, तो कहाँ से लिए ये भी बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स को। लिटरली बहुत अच्छा है। हाँ सब जने मेरे व्लॉग में आए कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी तहज्जुब का टाइम हो रहा और आज का रोज़ा है छठवां, आई मीन सिक्स्थ। तो मैं तहज्जुब पढ़ रही थी, तो तहज्जुब से पहले मैं कुछ अपडेट्स दे देना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं आ गई। तो हम लोग रात में गए थे डिनर के लिए शाही रसोई में, अपने ब्लॉग में देखा होगा, और वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आए थे, मिलके अच्छा दिखा उन लोगों से। बट आने के बाद हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस, स्पेशली मेरी और मम्मी की, पता नहीं क्यों, या नहीं तो शायद लेट खाना खाने की वजह से, क्योंकि हम लोग 12 बजे कुछ खाए थे वहाँ पे खाना, मम्मी को भी खाना कुछ भी दिल नहीं बोल रहा, मम्मी भी बिनसेरी का रोज़ा रह रहे, फिर भी मम्मी उठ के दही खाना खाते बोले, थोड़ा सा पेट में ठंडा रहता बोल के, बट स्टिल अभी तो उन्होंने उठ रहे नहीं, 4:20 हो रहे अभी तक भी नहीं उठ रहे, और मेरे को तहज्जुब का टाइम हो रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ। कि डिनर की तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, इन्फ्लुएंसर्स से जो भी इन्फ्लुएंसर्स से उनसे मिली, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था तो उन लोग भी शायद उन लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और फ्री थे, बट हम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वाई बिकॉज हम लोग का फर्स्ट मीटअप था वो, मैं कोशिश कर रही थी उन लोगों के साथ ज्वाइंट करने की, बट नहीं हो सका पॉसिबल, क्योंकि उन लोगों का जोन कुछ और था और मेरा जोन कुछ और था, क्योंकि मेरा फ्रेंडली नेचर है, मैं छेड़ने के बात करने की आदत है, जो भी मुझे पहचानते उन लोगों का जानते, बट मैं वहाँ छेड़ के बात करी तो ये देखो दे आर हैप्पी विद देयर जोन कम्फर्ट जोन, और मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, तो आई वॉज हैप्पी विथ माई फैमिली विथ माई 2 girls, मतलब मैं अर्शिया और मम्मी के साथ दोनों बहुत अच्छे से मेरे को कंपनी दे रहे थे। और या अभी मैं तहज्जुब की पढ़ती हूँ नमाज सिंह, इंशाल्लाह अगर मम्मी उठे तो मम्मी से मिलाती हूँ, मम्मी का एक्सपीरियंस पूछती हूँ कल के रिलेटेड, तो तहज्जुब पढ़ के मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। मम्मी की तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं हुई मालूम है गाइस, स्टिल अभी बेचैनी हो रहा है इस बोलते बोल रहे पेट में। पहला रोज़ा होगा मम्मी खाली तुम दिखा चाय पी के सो रहे, आई मीन चाय पी के रोज़ा रह रहे, कहीं को ऐसा क्या बोलती
इफ्तार में हैवी खाली ना, इफ्तार नहीं था मैं, वो डिनर था। डिनर चार पिज्जा हैवी हो गए तुम आपको। खाना दही खाना इम्पोर्टेंट नहीं है देखो गाइस, और चाय पी लेते बैठे हुए। अच्छा संडे हो गया, संडे था भी अच्छा है आज। हाँ न तो मैं तो सिर्फ पानी पी ले रही हूँ। बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ज़रा रमज़ान में प्लीज़ डाइट फॉलो करिए, क्योंकि बोले तो हमारे जैसा हाल हो जाता आपका। टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे हर चीज़ खाइए करिए, जो मिला खा लिए, जो जब टाइम पे मिला खा लिए, वैसा नहीं होता। अगर आप गलत टाइम पे इतना भी खाओ ना तो वो गलत गलत ही छोता। तो बी सेफ इन रमज़ान, बी हेल्दी एंड ईट ऑन द टाइम एंड ईट अ गुड फूड। बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ। तो अभी मिलते हैं मैं जब रोज़े की नियत करती हूँ। अल्लाह पीस। और वैसे भी मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मैं स्नैपचैट पे भी कभी कभार टाइम पास करती हूँ, तो आप मुझे स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं। लोग आप पूछते हैं मेरे को आके कि आप स्ट्रिक्स मेंटेन करते हो क्या, तो मेरा कभी कभार स्टिक टूट जाती, बट मोस्टली मैं स्ट्रिक्स भी फॉलो करती हूँ। वही नवई तो फर्ज रोजे की नियत करती हूँ, मेरा रोजा हम सबका रोजा ठंडा गुजरो। सो यस गाइस, मिलते हैं हम आपको दिन में, यानी तो जोहर के टाइम पे, यानी तो फजर की नमाज के बाद तो कुछ भी रहता नहीं, जोहर के टाइम पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको रमजान मुबारक। ऑलरेडी हो गया रमजान पूरा हो तक मुबारक ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको रमजान मुबारक। सही में रमजान रमजान। तो गाइस अभी सबकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह है, बट हम लगा तीनों के तीनों बिनसेरी का रोजा है, खाली पानी पिए। और अम्मी तो बेचारे चाय चाय पी थोड़ी सी। अभी मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ी सी इफ्तारी लाने, क्योंकि मैं रमजान स्टार्ट हुआ है जब से बाहर का कुछ भी व्लॉग बताई नहीं। इफ्तारी बताना, तो थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, बाहर जाके एक व्लॉग एक मतलब छोटा सा क्लिप भी लेती हूँ। ये बॉक्सेस में से लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे इतर, उसमें का तो मैं वो इतर कहाँ से ली वो भी आज बताती हूँ, तो आप लोग स्टे ट्यून करें लास्ट तक, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो इतर कहाँ से ली। क्या सुरमा था बोलो, क्या बोलो तुम्हारी कॉमेडी चल रही करते मेरे व्लॉग में सच्ची। हाँ हाँ एक्टिव ही रहना। तरावी पढ़ते समय ये लगा लो आप, ये आपको मीशो में मिल जाता कुछ, मीशो में से बुक कराए सो है, तो आप ये कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और एक एक बात, हमारे पास टीवी चलते रहती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका साउंड बढ़ा हुआ रहता। आप देख सकते इसकी आवाज कितनी कम है, दिख रहा म्यूट पे है साउंड, तो अब ये है आवाज। टीवी खुली बोले तो ऐसा रहता खुली, अगर टीवी खुली नहीं, खुली रहने के बाद भी हमारे मम्मी म्यूट रखते, कई को बोलो हम भी जरा बोल दो भाई, लोग दम कर दे रहे भाई मेरे को बोल बोल के। तो टीवी खुली रख के नमाज पढ़ रहे, टीवी खुली रख के, टीवी खुली रख के नमाज पढ़ रहे, टीवी को तो देखते ही नहीं, खोल देते वो टीवी के ख्याल ही नहीं करते, टीवी खुली है क्या है, कई को बोलते मेरे को, मैं हमारे बच्चों की वीडियो चलते रहते अच्छे दिखते रहते मेरे को, और क्या उसमें लगाते भी नाता लगाते यासीन शरीफ सब लगाने के बाद वीडियोस लगा के छोड़ देता कि अगर मेरी वजह से एक व्यू बढ़ रहा तो कई को नहीं बढ़ना, ऐसा उतना ही ना, एक व्यू बढ़ रहा तो कई को नहीं बढ़ना, मैं बढ़ाती हूँ बोल के एक वीडियो भी नहीं चलाते मेरी, पूरी स्टार्टिंग से लेके अब तक की वीडियो चलाते, पूरा वीडियो चला देते। मम्मी टीवी में चले कहा इनका फोन, फोन में दिख रहा सीधी सीधा प्रूफ है ये, फोन में भी लगा के देखे, मैं तो नेचुरली बताई ना टीवी से जाके सीधा फोन, ऐसा फोन में भी चलते रहता, मेरे फोन में चलता था, किसके फोन में नहीं फोन टीवी दो ही चलते रहते। तो मम्मी बोलते हैं टीवी मेरी फोन मेरा तो मैं चलाते रहती हूँ, अगर उसकी वजह से एक व्यू बढ़ रहा तो तेरा क्या जा रहा बोलते उल्टा मेरे को पूछते, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं इस बात का जवाब देना जरूरी समझी। ओके अब प्लीज इस चीज को गलत ना को समझो, ये हमारे क्यूट से मम्मी ये चाले करते, वैसे मम्मी इंस्टाग्राम पे 40K मुबारक। हाँ आपको मुबारक,
गाइस आप सबको भी मुबारक, मेरे जितने भी चाहने वालों को भी मुबारक, मेरे रिलेटिव्स को भी मुबारक, सभी 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 को। तो गाइस चलो मैं बाहर जाके मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज। एक मिनट गाइस, मम्मी ना डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील में बोलने के लिए। मैंने को तंग कर दिया तो तुम्हारा हो गया ना मम्मी पढ़ना, इसीलिए आके बोल रही हूँ मैं। पसंद भी करते आंटी को, तो वो आंटी को मैं कैसा नहीं ले सकती हूँ अपने वीडियोस में, इसीलिए तो आंटी का डायलॉग आंटी प्रैक्टिस कर लिया। क्या बोलने वाले हर एक जगह के, तो मम्मी फेमस हो गए। अगर इत्रों की शॉपिंग करना है तो यही शॉप है गाइस मदीने के पास, अलिफ बोल के, मैं यहीं से खरीदी थी सब। गई थी इफ्तारी लेने के वास्ते और मम्मी व्लॉग बना रहे थे यहाँ पे घर पे। इसमें बेसन के दही बड़े, इसे लाल मिर्ची, हरी मिर्ची नहीं डाली, लाल मिर्ची, थोड़ी प्याज कट 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 करके प्याज पूरी बुकनी अंडे की जैसी प्याज और मिर्ची नमक। अब ये डालते जब आप लोग भूल गई मैं, ये खाने का सोडा है, थोड़ा सा का डालना खाने का सोडा भी। आज रमज़ान में कौन बड़े, दही बड़े, दही बड़े बनाने स्पेशल, दही बड़े कालिया पाक भी डाली इसमें, थोड़ा बुकनी थोड़ा कट कट बाबा। दिख रहा आप लोगों को, आप लोग आज पूरा रेसिपी देखे तक खाना पूरा खाई तक भी, इफ्तार तक खाई तक भी देख लेते हैं दही बड़े में कैसा बनाते। इसके बाद आप लोग कमेंट करना रेसिपी की भी, नहीं क्या यूट्यूब खोलो क्या बोलते हैं रेसिपी का चैनल भी खोलो बोलते बोलना, अच्छा मिलाने लगा है। एक बार तो भज्जे अच्छे रहते। इस चूल्हा दिख रहा साफ है नहीं, ये अर्शिया कर दे, साफ कर देना। ऐसे परसों कल भज्जे तले से छे तेल है, एक तेल गरम हो गया गाइस, छोटे छोटे डाल दिया इसके बाद तो अच्छे रहते, छोटे छोटे अच्छे दिख गया। दिख रहे हैं आप लोग गाइस फुल रहे हैं, जाके पानी में थोड़ा जल्दी डालना। ये पानी में डाल के रखे सर, इसमें अच्छा नीचे लेना पानी, पानी चले जाना। गाइस पालक के भाजी के पकोड़े हैं ये, यहाँ पे क्या कर रहे तुम? मोहब्बत शरबत, मोहब्बत शरबत बना रहे। दीदी ऑलरेडी बता दिया रेसिपी। क्या कहते That's it for this vlog. तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बात गाइस, जो भी चीज़ें क्लियर करना था मैंने क्लियर कर दिया, एंड थैंक यू वेरी
फॉर योर क्यूट क्यूट कमेंट्स ऑन द वीडियोज. मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं स्पेशली हर किसी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ. सो येस, थैंक यू एवरी वन. और कल की इफ्तार की पार्टी और आज का पूरा व्लॉग और जो जो भी रेसिपीज बताए थे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करी. अर्षा जो बनाई थी और अम्मी दही बड़े बनाए थे ऑब्वियसली, तो वो सारी चीज़ें शेयर करें. हम लोग जस्ट अभी दही बड़े खाए और मैं चेंज कर रही हूँ थी. मैं एक्चुअली ये इसीलिए पहनी थी कि कुछ मुझे रील्स बनाना था. कल मेरे को टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो अभी थोड़े से रील्स बना ली. मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ, तो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, गो एंड वॉच माय इंस्टाग्राम वीडियोस आल्सो. और मैं स्नैपचैट में भी जरा थोड़ा सा एक्टिव हूँ. आप लोग मुझे स्नैपचैट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो. सो यस गाइस, खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए एंड रमजान में स्पेशली मेरी और मेरी फैमिली को याद रखिए दुआओं में. और मैं भी आपको हर किसी को अपने स्पेशल दुआओं में याद रखती हूँ. यस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. अल्लाह हाफिज़.